आज समाज में दहेज को लेकर बहुत बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें गरीब बच्चियां शादी के लिए रह जाती हैं। हमारा इसमें मेन उद्देश्य रहेगा, जब मंगनी की रस्म अदा की जाती है तो लड़की की सास को और ससुर को गोल्ड वगैरह की चीज़ें दी जाती हैं और बड़े बड़े सामान दिए जाते हैं, और बारात जब लेकर के जाते हैं तो बारात में बाराती ज़्यादा होते हैं, जिससे लड़की वाले पर बोझ पड़ता है। हमारा इसमें मुद्दा ये रहेगा, एक तो मंगनी की रस्म ख़त्म की जाए, जिसमें कि मंगनी में ही लोग एक शादी के बराबर खर्च करा देते हैं, और बारात में कम से कम लोगों को लेकर के जाया जाए, और ये जो हमारे यहाँ पे खड़े होकर के खाना होता है, उस खड़े होकर खाने पे पाबंदी लगाई जाए। जैसे पहले बारात में बाजा जाता था, उससे पाबंदी लगी, आज डीजे पे भी पाबंदी लगी हुई है। आने वाले टाइम में हमारी ये लोगों से अपील रहेगी कि दहेज पर पाबंदी लगे और दहेज बिल्कुल ना लिया जाए, जिससे कि जिस घर में भी बेटी पैदा हो तो उसको ये ना लगे कि मेरे घर में बेटी पैदा हो गई, अब मैं इसकी शादी कैसे करूँगा। और ये बहुत बड़ी बीमारी है, एक दीमक है दहेज जो है। दहेज का जो सिस्टम चल रहा है बहुत ही गलत चल रहा है। जिस घर में बेटी पैदा होती है तो पहले से हिसाब लगाने शुरू कर देते हैं, यार हमारे घर में बेटी हो गई। अगर ये सिस्टम ख़त्म हो जाए दहेज वाला, तो हर इंसान सुकून से होगा। अरे ये बताइए, आदमी को अपनी काबिलियत पे अपने पैसे से भला होता है, किसी के लिए देश से भला नहीं होता है। हमारी बस यही 8 तारीख को जो हमारी दहेज विरोधी मंच की मीटिंग है, उसमें कुछ यही मुख्य जो मुद्दे हैं, मंगनी को लेकर, खड़े होकर खाने को लेकर, बारात में बाराती ज़्यादा लेकर, और जो है दहेज को लेकर के। आज दहेज को खुल्लम खुल्ला आदमी बार्गेनिंग करता, सौदा करता, भाई 10 लाख की शादी करोगे, 15 लाख की करोगे, अगर ये चीज़ रहेगी तो उन गरीब बच्चियों का क्या होगा। ये मीटिंग आपकी कब से कब तक चलेगी? ये मीटिंग हमारी पाकबड़ा में हसनपुर चौराहे पर आज़ाद नगर में 8 तारीख को लगभग 9 बजे से शुरू होगी, और इसमें क्षेत्र के सभी लोग हमारे साथ में रहेंगे और इसी पे जो है चर्चा होगी। क्या ये आपकी मासिक बैठक हर महीने चलेगी? देखिए अभी तो हमने पाकबड़े में रखी है, हम धीरे धीरे कभी डींगरपुर में, कभी चौधरपुर में, अभी इस तरह से मीटिंग चल रही है। मासिक तो नहीं, लेकिन हम समझते हैं जैसे ज़रूरत पड़ेगी 1 महीने में 2 महीने में फिर रख ली जाएगी। इसमें आपका कौन कौन सहयोग कर रहा है? इसमें हमारे जो सहयोग कर रहे हैं, हमारे पाकबड़ा के साई इमाम हैं, काजी समय आलम साहब भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, और पाकबड़े की काफ़ी आवाम है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारा सपोर्ट कर रही है, और काफ़ी जो मस्जिदों से इमाम हैं और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, वो भी हमारा इसमें समर्थन कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो मुख्य काम जो हैं, इनके जो संरक्षक हैं, हमारे MH मिल्की साहब भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। जिन बेटियों की शादी नहीं हो रही हैं दहेज को लेकर, उनके लिए आप क्या सहयोग करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिन बेटियों के दहेज को लेकर के शादियाँ नहीं हो रही हैं, जब ये दहेज का सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी कि दहेज देना है, ना ही तो अमीर देगा ना ही गरीब देगा। और जब तक ये चीज़ नहीं लागू होती है, दहेज पर पाबंदी नहीं लगती है, मैं ये चाहूँगा कि मैं भी और मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, और पाकबड़े के जो भी या आसपास के गाँव के, हर जगह ये समस्या है गरीब बेटियों को लेकर, कि वो सब लोग सहयोग करें उनका और उन बच्चियों के निकाह कराएँ। और जो हम लोग शादी ब्याह में एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं, अगर हम उस पर भी पाबंदी लगा देंगे तो कितने गरीब बेटियों की हम शादी करा देंगे। ये मुद्दा आप कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? ये मुद्दा हम हर घर तक पहुँचाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचाना चाहते हैं।